कभी अभी सोनीपत के खेत में धान लगाने गए, वो शेर के पट्टे ने जड़ ऊपर कर दी, पत्ते लगा दिए के डीएनए में इटली का डीएनए ज्यादा दिखाई देता है। कुछ जेल से आए हैं, कुछ जेल जा रहे हैं, कुछ बेल पर हैं, ना उनके पास कोई झंडा है एक, और ना उस झंडे में कोई डंडा है, ना उनका कोई एक एजेंडा है। श्रीमान कट्टर ईमानदार जेल जाने वाले, वो नकल करते हैं पर अकल नहीं है। वो नरेंद्र मोदी की नकल तो करते हैं, जैसे लोकसभा में किसी ने उनको कह दिया कि ये पारस की मणि है, तुम इनके पांव छूलो, पांव छूना इनके बस की बात नहीं थी, गले मिल गए, और दूसरी तरह अपने लोगों को आंख मार दी। भारत के जो पत्रकार हैं बहुत सारे, वो फोटो खींच बोले यात्रा करो, बीजेपी यात्रा बहुत करती है, वो सावरकर को गाली दे बैठे। अब कभी अभी सोनीपत के खेत में धान लगाने गए, वो शेर के पट्टे ने जड़ ऊपर कर दी, पत्ते लगा दिए। आप देखो ना, एक आदमी ट्रक ड्राइवर के साथ बैठ के खड़ी खा रहा है, इसमें क्या वो दिखाना चाहता है? राहुल गांधी इज ए कंफ्यूज्ड पर्सन। उनका उठना बैठना, उनका खड़े होना, उनका बोलना हिंदुस्तानी लगता ही नहीं है। उनके डीएनए में इटली का डीएनए ज्यादा दिखाई देता है। ठीक है सब, अरे क्या जहर बेच रहे, नशा बेच रहे, मोहब्बत सब तो इनके आसपास ही नहीं है। कोई गठबंधन नहीं है, 26 हो जाते हैं, कभी 28 दल हो जाते हैं, कुछ जेल से आए हैं, कुछ जेल जा रहे हैं, कुछ बेल पर हैं, ना उनके पास कोई झंडा है एक, और ना उस झंडे में कोई डंडा है, ना उनका कोई एक एजेंडा है। दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा। सुखविंदर खैरा को गिरफ्तार कर लिया पंजाब में, और अभी जो किंग पिन है शराब घोटाले में, श्रीमान कट्टर ईमानदार जेल जाने वाले। एक जो ईडी की कार्रवाई अलग अलग जगह हो रही है अभी, और जो आप जिनकी जेल जाने की जिक्र कर रहे हैं, तो ये सारी बातें विपक्ष ये कह रहा है कि टारगेट किया जा रहा है केवल अब 2024 के चुनाव को देखते हुए। आप देखें, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और सरकार अपना काम करती है। अब दिल्ली शराब घोटाले की बात है, पीछे 2 महीना पहले आईबी के डायरेक्टर ने सत्येंद्र जैन 1 साल से जेल में, मनीष सिसोदिया 8 महीने से जेल में, आईबी के डायरेक्टर ने, ये मैं आपको आपकी जानकारी में है सब, आईबी के डायरेक्टर ने जो विनय नैयर है, जो महेंद्रू है, जो सिसोदिया जी का सेक्रेटरी था, उनसे तीनों को इकट्ठा किया, केजरीवाल जी को भी उस इन्वेस्टिगेशन में शामिल। उन्होंने कहा सत्येंद्र जी, आपके पास एक डिपार्टमेंट था, आप पहले शराब के ठेकेदारों को 2% देते थे, आपने एकदम इनकी कमीशन 12% क्यों किया? बोले मुख्यमंत्री जी के आदेश। बोले मुख्यमंत्री जी के दस्तखत नहीं? बोलो हमको आदेश देते थे, दस्तखत हम करते। सिसोदिया जी से पूछे कि जी मुख्यमंत्री जी के आदेश। फिर कहा कि ठीक है, ये शराब पॉलिसी आपने दिल्ली की जनता के हित में बनाई, फिर ये 2 महीना बाद वापस क्यों ली? बोले मुख्यमंत्री जी के आदेश। फिर आईबी के डायरेक्टर ने कहा 1,40,00,000 के तुमने मोबाइल खरीदे,
उनका 25 दिन तक उपयोग किया, तुमने उनको तोड़ के फेंक दिया, हम वो सारे मोबाइल उठा लाए। ये गलतफहमी है ना, बच्चों को जब वो फोन करते हैं भाई इसकी सिम निकाल दो दूसरे पर, वो रिकॉर्ड में तो रहती है ना कंपनी, कह लेंगे मिस्टर सो एंड सो रेडिसन होटल के कमरा नंबर 603 में आपने केसीआर की बेटी कविता से ये झोड़ा लिया है, दिस इज सिसोदिया जी, आपने इसी होटल के कमरा नंबर 203 में ये किया है। केजरीवाल जी 200% झूठ और 200% कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं।